हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी आजकल पता नहीं विमान के साथ क्या हो रहा है कि डायपर पहन के जाता है, फ्रेश डायपर ही सुबह पहन के जाता है, बट डेली स्कूल में पता नहीं वो डायपर लीक क्यों जा रहा है। सॉक्स उतार रहे हो? ये देखो विमान आ गए घर पे, इनको सुबह जीन्स पहना के भेजा था, अंदर डायपर था, बट पता नहीं वो डायपर लीक कैसे हो जा रहा है। डायपर का साइज बड़ा है क्या है एक बार और देखना पड़ेगा, बट वो लीक हो जा रहा है साइड से, भरता नहीं है, वो लीक हो जा रहा है साइड से। उतार लिया सॉक्स, बहुत अच्छा है। क्या विमान आता है खुद सॉक्स उतारता है, उसका हैंड वॉश लेग वॉश करता है। बट अभी मैं पहले वाले मुद्दे पे आता हूँ कि ये लीक क्यों हो रहा है। लीक होकर उसका जीन्स गीला हो जाता है, तो जो एक एक्स्ट्रा पैंट रखी रहती है वो पहनना पड़ता है। तो ये चिंता का विषय है कि डायपर बड़ा है कि छोटा है, छोटा लेना है कि बड़ा लेना है, क्या लेना है, बहुत सोचना पड़ेगा। और ये विमान हमेशा की तरह अच्छे बच्चे की तरह सबसे पहले आते हैं और हैंड वॉश करते हैं, हैंड वॉश लगा के। विमान ने हैंड वॉश कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा, बहुत थोड़ा, बाबू वॉश करना है, पोछना नहीं है। ये बहुत चालाक है, ये इतना ज़्यादा हैंड वॉश ले लेता है, फिर पूरा सही से धुल नहीं पाता है। तो, हाँ हाँ हाँ, तो झाग झाग इसके हाथ में रहता है। तो जब अवंतिका ने बोला कि जाओ सही से वॉश करके आओ, तो ये गया है, ये टॉवल में पोछ लिया। अभी क्या बेटा, अब लेग वॉश कर रहे हो? ठीक है, लेग में तो नहीं लगाते हो तुमको सोप, बट हैंड में बड़ा चालाक है, तुरंत जाके वो टॉवल में पोछ लेता है पूरा। गुड बॉय, सही से पोछो उसको, सही से पोछ लो, पैर सही से पोछो, देखो पूरा लग रहा है। विवान को घर आते आते मस्त सरप्राइज मिला हॉट चॉकलेट का, तो उनका हॉट चॉकलेट कोल्ड चॉकलेट हो गया है। हॉट तो पी नहीं पाएंगे, जल जाएंगे, चॉकलेट तो काफ़ी ज़्यादा वो लगता है। तो ये हॉट इतने बड़े कप में ये पी रहे हैं, इतने बड़े कप में हॉट चॉकलेट पी रहे हैं। और मुच्छी बनी कि नहीं? मुच्छी बनी दिखाओ, अभी सही से नहीं बनी, सही से पियो और सही से पियो, मुच्छी बनेगी। क्या धो के आ रही हो? अरे मुच्छी क्यों धो रहे हो? तो मुच्छी बन जा रहा है तो वो धो के आएगा, ताकि हम लोग थोड़ी तारीफ कर दे। वाह बाबू ने मुच्छी धुल लिया सही से। अभी इसमें देखो हॉट चॉकलेट थोड़ा सा बचा है, वो मम्मा का है। मम्मा का है क्या वो हॉट चॉकलेट? दे दो डैडी। ठीक है, दे दो। मैं साफ कर दी थी। करेंगे अभी, लेकिन पता नहीं विवान बोल रहा था मैम ने बाबू बोला, यार पता नहीं क्या बोल रहे थे। किसने बोला? किसने? मीमांस मैम ने क्या बोला और क्या बोला मेरे बाबू को? छोटू बाबू, प्यारा बाबू, शर्मा आ गया बाबू, गया। पिछले महीने आपने बताया 37,000 सिर्फ 800 लोग पिछले महीने आए, 2%। तो मुझे जो आपका बिजनेस देख रहा है ना, कि आपका एक बंदा काफी मशक्कत, काफी क्या खोजबीन करने के बाद पता चला कि वो डायपर क्यों लीक होता था। ये देखिए ये बॉटल पूरा भर के इसको पानी देते हैं सुबह स्कूल जाते समय 8:15-8:30 बजे, और ये बॉटल का पानी ख़त्म है, मतलब 2 घंटे में ये बॉटल का पानी ख़त्म है। तो वो कहीं ना कहीं से तो निकलेगा ना, गर्मी है नहीं कि पसीने के रास्ते से निकले, डिहाइड्रेशन हो, ये ठंड का मौसम है, ये टॉयलेट के रास्ते ही निकलेगा। तो डायपर पहने रहते हैं ये, लगातार टॉयलेट करते जाते हैं ये बॉटल। तो अभी पता चल गया डायपर की गलती है ना, इसकी गलती है, गलती इस पानी की है। बट ठीक है यार, डायपर लीक हुआ, लेकिन ये तो अंदर गया ये पानी। तो अभी जब इसने कहा पानी पीना है, तो मैंने कहा तुम्हारे बैग में रखा होगा, पूरा तो पीते नहीं हो, जाओ निकाल के पी लो। बैग से निकाल के लाया, कह रहा खाली है पूरा। तो यार बड़ी खुशी हुई यार, ये खाली है, तो ऐसे देता हूँ, ये पूरा भर के देता हूँ। फिर इसका टारगेट रहता है 2-2.5 घंटे में फिर ये पानी ख़त्म करना। सेटल हो गए स्कूल से आने के बाद, सब जो डिटेक्टिवनेस था, सब जासूसी पता चल गया क्या हो रहा था। अब जा रहे हैं हम लोग क्रिकेट खेलने। विवान बैट लेके तैयार हैं और डैडी बॉल लेके तैयार है। अब मैं जा रहा हूँ बॉलिंग करने, चलो। क्या करनी थी बाबू? रोई रोई कर रहा था, थोड़ा रो रहा था, लेकिन अभी शांत है। अभी हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। बाबू देखना स्वीप शॉट मारता है, अभी स्वीप शॉट दिखाएगा। चलो दिखाओ जरा स्वीप शॉट, तो अपना ये देखो कितनी तेज मारा। मैंने बोला था इसको स्वीप शॉट आता है, फिर से अभी देखना कितने ऊपर मारेगा। ये देखो कितनी तेज।
अभिमान फिर से मैं बॉलिंग करने जा रहा हूँ, स्वीप शॉट मारेगा। अबे मिस, प्लेयर मिस, लाओ कैच दो नीचे। चलो ओ ओ धीरे मारा इस बार। मेरे साथ एक फ्रॉड हो रहा है अभी फटाफट। ये वो एजेंट LIC वाला चला कि LIC में आपकी पॉलिसी थी एक्सपायर है। भाई लाइव मैं दिखाता हूँ, जस्ट हो ही रहा है। अच्छा वो कैमरा मेरे साथ था, मैं रिकॉर्डिंग करना चालू किया। उनका ये था कि सर आपकी पॉलिसी थी 10 साल पहले, वो एक्सपायर हो रही है, आपने प्रीमियम पे नहीं किया, एजेंट ने शायद आपके साथ कुछ घपला किया है। आपको एक नंबर दे रही हूँ, मुंबई हेड ऑफिस में वो बैठते हैं, उनसे एक बार संपर्क करिए और ये पॉलिसी नंबर बताइए। तो मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने पॉलिसी नंबर पूछा तो वो 9 डिजिट का था। उन्होंने कहा 9 डिजिट का नहीं, 8 डिजिट का होगा। कहे सर आप कुछ गलत कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है, आपका 8 डिजिट का होना चाहिए, आप एक बार फिर से कंफर्म करके बताओ। तो पूरा जेन्युइन करते जा रहे हैं लोग। तो फिर मैंने जिसने मुझे फ़ोन किया था लड़की ने, उसको मैंने फ़ोन किया तो फिर उसने 8 डिजिट का नंबर सही कर उसी को लास्ट वाला नंबर हटाया। अभी मुझे फिर से फ़ोन आ रहा है, देखो फ़ोन आ रहा, आप बस लगे रहो, बने रहो बने रहो। हेलो सर, ये पॉलिसी नंबर मेरा 8 डिजिट का पता चल गया सर। सर विवेक, विवेक अभी फोन किया था राइट आपको। अच्छा जी विवेक जी, सर ये काम करेंगे जी जी, इसमें गवर्नमेंट एक्चुअल में मैं कुछ अर्जेंट में अभी वर्क कर रहा हूँ। आप ना, आपके पास पॉलिसी नंबर है ना आपका? जी जी जी। आप मुझे सेम नंबर सर मेरा व्हाट्सएप के ऊपर अवेलेबल है, आप मुझे अपना नाम, पिन नंबर और पॉलिसी नंबर व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, मैं चेक करके मैं कॉल करता हूँ। ओके सर, ओके ओके थैंक यू। ठीक है, नाम, डेट ऑफ बर्थ और पॉलिसी नंबर। नाम, डेट ऑफ बर्थ, ओके सर, व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, मैं चेक करके कॉल करता हूँ। ओके सर, ओके ओके थैंक यू सर। कितना जेन्युइन उसने बोला है। अभी जो पॉलिसी नंबर है मेरा, उसको मैं उसके व्हाट्सएप पे डालूं विद डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ, हाँ हाँ डेट ऑफ बर्थ के साथ पॉलिसी नंबर, डेट ऑफ बर्थ मैं अभी डालता हूँ, उसको व्हाट्सएप करता हूँ, वो लोग चेक करके कॉल करेगा। तो मैंने अभी उसका नंबर सेव कर लिया है, ये देखिए मैंने फ्रॉड नाम से सेव किया और उसमें क्या लिखा है, ये रिलायंस निपॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस अकाउंट, और उसमें मैंने हेलो सर बोला और उसके बाद उसका आया थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग। मैंने पॉलिसी नंबर और मैंने DOB अपना करेक्ट नहीं डाला है, गलत डेट ऑफ बर्थ डाला है मैंने। तो अभी देखते हैं उसका क्या रिप्लाई आता है। हाँ बेटा अभी रुको, अभी मज़ा आने वाला है, या तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, कुछ ना कुछ समझ जाएगा, उसके पास शायद कुछ डिटेल हो, समझ जाएगा कि ये गलत इन्फॉर्मेशन दी, इनके साथ आगे नहीं बढ़ना है, या तो कुछ तो करेगा। मैं दिखाता हूँ, बने रहो आप, बने रहो, पूरा ये फ्रॉड मैं दिखाता हूँ भाई। तो अभी 2 घंटे हो गए मुझे व्हाट्सएप किए, इसको व्हाट्सएप किए मुझे 2 घंटे हो गए, आप ये देख पा रहे हो, और इसने रीड कर लिया है लेकिन इसने कुछ रिप्लाई नहीं किया। एक बार मैं इसे कॉल लगाता हूँ, देखता हूँ क्या बोलता है ये। आप जिस व्यक्ति को कॉल करें, उठाया नहीं है फोन, लग रहा है ये समझ गया है कि मैं समझ गया हूँ। तो इनके भी शायद कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि लोग अगर इतनी जल्दी बोलने लगे या इतनी जल्दी एग्री हो जाएं तो कुछ डाउट है। भाई ये बहुत तेज हैं, इनकी टीम है, 10-15 लोग की टीम रहती है और बहुत तेज लोग रहते हैं, तो इनके भी कुछ पैरामीटर डिफाइन है, बहुत चीज़ें डिफाइन है, उससे पता चल जाते हैं कि ये इसको बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, ये समझ गया है कि नहीं समझा है, क्या कर सकते हैं। तो आई थिंक इन लोग को लग गया है कि मैं समझ गया हूँ, तो ये ना मेरा फ़ोन उठा रहे हैं ना मेरा रिप्लाई कर रहे हैं। बट मैं ये नंबर देखिए, ये एक नंबर और एक ये नंबर, ये दोनों नंबर यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, ये दोनों नंबर से मुझे कॉल आया था साथ में कि इनसे पहले आप बात करो, इनसे पहले आप बात कर लो, और मुझे फंसाने की पूरी कोशिश की लेकिन ये मुझे पता था। तो ये जो रियल में इंश्योरेंस कंपनी होती है जहाँ से आप अपना परचेस किए होते हैं, जो जेन्युइन होते हैं, वो ऐसे ये जो 10 डिजिट के नंबर हैं ऐसे इससे कॉल नहीं आता है। स्टार्टिंग में भले एसोसिएट आपको बेचने खरीदने के लिए अपने नंबर से कर रहा हो, बट इसके बाद आपको या तो कंपनी से सीधे मेल आता है, जेन्युइन मेल आता है कंपनी के डोमेन से, या तो फिर STD कोड के साथ आपको मेल आता है कि आपकी पॉलिसी ख़त्म हो रही है या कैंसिल हो रही है, जो भी ऐसा आता है। तो फ्रॉड ही आप 10 साल बाद मुझे वो एक मोबाइल नंबर से मुझे फ़ोन किए, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फ़ोन आए अगर ऐसे आ रहा है और व्हाट्सएप से आ रहा है तो ये फ्रॉड है, क्योंकि व्हाट्सएप पे ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, ये व्हाट्सएप ऑफिशियल पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ किया जाता है। तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो सबसे बड़ा फ्रॉड तो यही है। आज अभी नीचे गए थे हम लोग बाबू को टहलाने, नीचे बाबू साइकिल चलाने गया था, पार्क में गया था, तो देखो बाबू को क्या मिला, तो ये बलून मिला है
ट्राई कलर का, क्योंकि 26 जनवरी सेलिब्रेट किया गया था तो बलून लगाए गए थे, तो कुछ बलून इधर उधर उसी पार्क में थे, तो ये बाबू को दिखा तो बाबू उठा रहा है, तो उसको थोड़ा साफ किया, फिर बाबू उसके साथ खेल रहा है। बेस्ट है यार, तुम अच्छी अच्छी चीज़ें ऐसी ऐसी चीज़ें यूटिलाइज़ कर लो, वैसे भी ये वेस्ट हो जाता। तो विवान इसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, इसके साथ खेल रहे हैं, तो चलिए इनको खेलने देते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, आशा करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय श्री राम।